हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम ना सेकंड यूनिट के रिलेटिव पढ़ाएंगे। एक लेक्चर में मैं फोर्स भी पढ़ा रहा हूँ बेटा आपको आज से, और एक लेक्चर में आपको रिलेटिव मोशन पढ़ाएंगे। देखो आप लोग, आज मैं थोड़ा सा आपको फोर्स के ऊपर काम करेंगे, लॉज ऑफ मोशन में। बेटा लॉज ऑफ मोशन में आज हम फोर्स को थोड़ा स्टडी करेंगे। आप लोगों को फोर्स को स्टडी करना है। दूसरे लेक्चर में हम आपको काम करेंगे किस टॉपिक के ऊपर, रिलेटिव मोशन पे। तो लॉज ऑफ मोशन में बच्चों सबसे पहला जो टॉपिक होता है हमारा, वो बेटा फोर्स होता है। तो सबसे पहले हमें फोर्स को समझना है कि फोर्स है क्या। बेटा फोर्स का मतलब एक बॉडी है, राइट, उसके ऊपर हमने अपना एफर्ट लगाया। जैसे ये कोई भी सरफेस है, फ्रिक्शनलेस, और ये बॉडी है, राइट, जिसका मास m है। तो ये दो, ये कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया इन दोनों का, बॉडी का और जो ये ग्राउंड है। तो मैंने इसके ऊपर एफर्ट लगाया, मैंने इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाया, और ये हो सकता है कि मैं इसको इस तरीके से भी फोर्स लगा सकता हूं। तो हो सकता है कि ये बॉडी मूव कर भी जाए, और हो सकता है कि ये बॉडी मूव ना भी करे। तो सबसे पहले हमें फोर्स को समझना है कि व्हाट इज फोर्स। बेटा फोर्स एक एफर्ट है दैट ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। जो ट्राई करेगा टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी, टू चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, टू चेंज द कॉन्फिगरेशन ऑफ अ बॉडी। क्योंकि देख फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स। फोर्स एक एफर्ट है that try to change the state of a body, that try to change the state of a body। बेटा फोर्स एक एफर्ट है that try to change the state of a body। जो हो सकता है कि बॉडी की स्टेट चेंज हो भी जाए, हो सकता है बॉडी की स्टेट चेंज ना भी हो। तो मैंने बोला फोर्स एक एफर्ट है दैट ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। हम ये कह सकते हैं बेटा फोर्स कैन चेंज, कर सकता है, जरूरी नहीं करेगा। फोर्स कैन चेंज द स्टेट या पोजीशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स कैन चेंज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। फोर्स कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ अ बॉडी। फोर्स एक बॉडी को हो सकता है रेस्ट से मोशन में ला दे, और मोशन से रेस्ट में ला दे, दैट इज फोर्स। और हम बोलते हैं कि फोर्स इज अ पुश और पुल दैट ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। बट जरूरी नहीं है कि बॉडी एक मूव में, एक बॉडी है उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है, हम अपना ट्राई कर सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं कि बॉडी मोशन से किस में आए, रेस्ट में आए। तो इसलिए मैंने लिखा फोर्स एक एफर्ट है दैट ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। और बॉडी का स्टेट क्या होता है बेटा, या तो हम बोल दें रेस्ट टू मोशन, या क्या बोल दूं बेटा मोशन टू रेस्ट। एफर्ट है, ये नहीं कह सकते कि होगा ये, हमने ट्राई किया, हो सकता है बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले, बॉडी ऐसे मूव करे, हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो बॉडी ने डायरेक्शन चेंज कर लिया। फोर्स हो सकता है स्टेट भी चेंज कर ले, फोर्स में एक्सेलरेशन, फोर्स बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस कर सकता है, फोर्स बॉडी की वेलोसिटी को भी चेंज कर सकता है। हमने फोर्स लगाया, एक बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, जैसे हमने फोर्स लगाया बॉडी का स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो आप लोग देखिए फोर्स का वेलोसिटी चेंज हो गया, तो डेफिनेटली जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो किसके बराबर होगा, वी माइनस यू बाई टी बच्चों, क्योंकि ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया, और टी टाइम बॉडी का चेंज होने में लगा। तो फोर्स एक एफर्ट है दैट ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी, रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट। फोर्स कैन चेंज द स्टेट और पोजीशन ऑफ अ बॉडी, फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, फोर्स कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। एंड मैथमेटिकली अगर कोई बॉडी है बच्चों जिसका मास एम है और उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, उसमें एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हुआ। जैसे यहां से अगर फोर्स लगाएं तो ये पुश हो गया, ये तो बेटा पुश हो गया, फोर्स यहां से लगाया
इट मींस ये पुल हो गया. तो फोर्स वी कैन से फोर्स इज अ पुश और पुल दैट चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट. फोर्स क्या क्या काम करेगा मैंने सभी लिखा. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी. फोर्स कैन प्रोड्यूस अ वेलोसिटी, राइट. अब हम आगे कहते हैं मैथमेटिकली हम फोर्स को कैसे लिखेंगे बेटा. तो मैथमेटिकली अगर हमें फोर्स को लिखना है बेटा, मैथमेटिकली जैसे ये कोई बॉडी है, राइट. इस बॉडी का मास बेटा एम है, हमने इस बॉडी पे एफ फोर्स लगा दिया, राइट. तो इस बॉडी में ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया. तो हम मैथमेटिकली फोर्स को जो लिखेंगे उसको हम लिखते हैं बेटा F इज इक्वल टू एम इन टू ए. बेटा ए एक्सेलरेशन है और F उस बॉडी में फोर्स है. तो मैथमेटिकली नहीं, चंद्र में पढ़ते हैं किसी बॉडी का M मास है, A उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ तो उसके ऊपर फोर्स निकालना है, तो F इज इक्वल टू एम ए. एक और बात, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो बेटा वी कैन ऑल्सो राइट द कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स. बता अगर हमने फोर्स एक्स में लगाया, वाई में लगाया, जेड में लगाया, किसी एंगल से लगाया, तो आप लोग देखें F को बेटा वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं. एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस बच्चों एफ जेड के कैप इनटू बेटा एम मास है. एक्सेलरेशन कैसे लिख सकता हूं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. तो बेटा इक्वेट अगर मैं करूं तो एफ एक्स कितना आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए एक्स. सिमिलरली एफ वाई क्या आएगा, एम इंटू ए वाई. और एफ जेड कितना आएगा, एम इंटू ए जेड. अब सिर्फ हमने एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बताई नाइन्थ स्टैंडर्ड पे कि फोर्स जो होता है वो किसी भी बॉडी पे लगाया, एम जिसका मास है, ए उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो एफ को लिखा एम इंटू ए. और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आई कैप जे कैप और के कैप. एक और बात बच्चों देखो, आपको अगर मैं आपको ये बोल दूं भाई F इज इक्वल टू आपने M इंटू ए लिखा, F हमने लिखा बच्चों M इंटू ए. बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जो होता है उसके अंदर हमें तीन इक्वेशन पढ़ाते हैं, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू ए एस. देखो ये लिखते हैं, तीनों का वेक्टर फॉर्म लिख के दिखाता हूँ. वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट. S is equal to S no distance displacement u t plus half a t square. और एक होता है बेटा v square, उसको ऐसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में v dot v minus u square is equal to 2 a dot s. कई बार बोल देते हैं कि वेक्टर फॉर्म देखो ये वेक्टर फॉर्म होती है. तो बेटा हम फोर्स को नोट m में नहीं लिख सकते, हम इसको और भी एक्सप्रेशंस बना सकते हैं. कैसे, F is equal to बच्चों M into बेटा A. देखो अगर कभी किसी कोई बॉडी है, कोई स्कूटरिस्ट है, वो मूव कर रहा है, he side side in the middle of a road, then he apply brakes. तो अगर वो apply brake करेगा और लास्ट में रेस्ट में आ गया तो कहेगा भाई जो फोर्स लगेगा वो retarding फोर्स है, तो retarding फोर्स निकालिए. After a travel of distance 20 meter वो स्टॉप हो गया, जो स्कूटर है वो स्टॉप हो गया, तो उसमें retardation प्रोड्यूस निकालना है. तो हम F is equal to MA से बात नहीं बनेगी, तो हमने अगर हमें कहीं एक्सेलरेशन निकालना हम इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं. तो बेटा V is equal to U plus AT होता है, तो बेटा A को कैसे लिख सकता हूं मैं, V minus U divided by T. ये भी बेटा फोर्स ही है, मतलब फोर्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. आप लोग ध्यान से देखें, मतलब ये बेटा M into V, ये वो टाइम है, ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें बॉडी का स्पीड चेंज हो गया U से V. तो हम फोर्स को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं. और एक्सप्रेशन देखें आप बेटा, एफ को ऐसे भी लिख सकते हो एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी बच्चों. तो बेटा एम इंटू वी नाइन स्टैंडर्ड में पढ़ा है लीनियर मोमेंटम होता है, तो ये फाइनल मोमेंटम हो गया. तो हम एफ को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ये फाइनल मोमेंटम, ये बेटा इनिशियल मोमेंटम, और ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ. तो फोर्स कैन चेंज द मोमेंटम, इसीलिए बोला फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी. तो फोर्स का एक एक्सप्रेशन तो क्या लिखा, एफ इज इक्वल टू एम ए. एक फोर्स का एक्सप्रेशन ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, एम
इनटू वी माइनस यू बाई टी भी लिख सकते हो। एक बेटा मोमेंटम की फॉर्म में लिख सकते हो आप लोग एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई टी। बेटा ये चेंज इन मोमेंटम है और ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें मोमेंटम चेंज हुआ है, तो हम एफ को क्या ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम वो टाइम इंटरवल जिसमें फोर्स जिसमें बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ। डी टी लिख दो सी टी लिख दो, बात एक ही है, ये इंटरवल है जिसमें बॉडी का वेलोसिटी चेंज हुआ, बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ। और देखें आप लोग अभी हम फोर्स पे और काम करते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए, हम इसको और भी चेंज कर सकते हैं। देखो फोर्स एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने बोला एक स्कूटरी से वो रोड के ऊपर चला रहा है, ही साइड चाइल्ड इन द मिडल ऑफ अ रोड, देन ही अप्लाई ब्रेक्स आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर स्कूटर कम्स टू रेस्ट, देन फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस। तो उसमें क्या करेंगे आप लोग, बेटा आप ध्यान से देखेंगे ना, या रिटार्डिंग फोर्स पूछ ले आपसे वो, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, तो हम ए को यहां से निकाल सकते हैं, कितना आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू एस। तो बेटा एक्सेलरेशन में देखो स्कूटरी मूव कर रहा था यू स्पीड से आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, ठीक है बॉडी रेस्ट में आ गया वी जीरो एस हमारे पास है ए आ गया रिटार्डेशन आ गया और एफ इज इक्वल टू एम ए रिटार्डिंग फोर्स आ गया। मतलब स्कूटरी से मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ही साइड चाइल्ड इन द मिडल ऑफ रोड आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, तो एस 20 मीटर हो गया। स्कूटर कम टू रेस्ट, रेस्ट में आ गया तो वी जीरो हो गया तो रिटार्डेशन आ गया, ए आते ही एफ बराबर है रिटार्डिंग फोर्स आ गया। तो हम एक और एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं, देखो फोर्स की फोर्स मोमेंटम भी चेंज करेगा, फोर्स वेलोसिटी भी चेंज करेगा, फोर्स एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करेगा, फोर्स डायरेक्शन को भी चेंज करेगा, हो सकता है। तो एफ को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एम ए को चेंज कर रहा हूं बेटा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू एस फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो बेटा ये एफ आ गया ना हमारा, तो आप लोग ध्यान से देखें एस को इधर लाओ, एफ इन टू एस एम वी स्क्वायर बाई टू बच्चो माइनस एम यू स्क्वायर बाई टू। बेटा एफ इंटू एस वर्क होता है और ये वर्क क्या होता है, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। देखो वर्क हुआ ना, किस लिए वर्क किया हमने, फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से वेलोसिटी चेंज हुआ और वेलोसिटी चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। आगे चल के इस थ्योरम को डब्ल्यू थ्योरम बोलेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, बट अभी हम फोर्स पे काम कर रहे हैं। फोर्स एम ए, फोर्स m into v minus u by t, force is equal to change in momentum बच्चों, dp by dt and force is v square minus u square into m by 2s, this is all about force। अभी force पे काम कर रहे हैं, अब हम कहते हैं कि force किसी angle पे काम कर रहा है body पे। देखो बच्चों कैसे, देखो बच्चों, अब मैंने आपसे ये कहा कि ये body है, right? और ये बॉडी जिसका मास m है, अगर हम कॉन्टेक्ट फोर्स की बात करें, कॉन्टेक्ट फोर्स की, इस बॉडी का मास m है, बॉडी ने ग्राउंड पे फोर्स लगाया mg, बट दिस g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो कॉन्टेक्ट, बॉडी ने ग्राउंड पे लगाया mg, ये एक्शन तो इस ग्राउंड ने बॉडी पे लगाया, उसको हम n लिख दें नॉर्मल रिएक्शन, तो n और m, n एक्सेलरेट रिएक्शन बैलेंस ईच अदर, तो n को बेटा mg हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, n माइनस mg जीरो हो गया, तो ये फोर्स तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हमने ये कहा कि भाई इस बॉडी, जिस बॉडी का मास m है, इसके ऊपर हमने एक फोर्स f एक्सर्ट किया, और f हमने किसी एंगल से लगाया बच्चों, ये f फोर्स लगाया बेटा इस पे, राइट, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, राइट ना, then find the acceleration। तो बेटा F को आप देखें, ये force का horizontal component हो गया F cos theta, और ये बेटा इसका vertical component हो गया F sin theta, और बेटा ये हो गया mg, m into g, friction तो आई नहीं, तो अब जो acceleration produce करेगा, देखो ये mg, ये इसके ऊपर normal reaction भी लगेगा पता है,
हम बात कर रहे हैं कि इसमें एक्सेलरेशन निकालना है, इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन देगा वो एफ कोस थीटा देगा। तो यहां पर जो इक्वेशन लिखेंगे आप लोग वो क्या लिखेंगे, एफ कोस थीटा इज इक्वल टू एम इन टू ए। तो बेटा एक्सेलरेशन कितना आ गया बोले आप लोग, एक्सेलरेशन इज एफ कोस थीटा डिवाइडेड बाई एम, आ गया एक्सेलरेशन। दिस इज पुश और पुल, दिस इज पुल। अगर मैं पुश की बात करता हूं, देखो अगर मैं इस बॉडी पे इस तरीके से फोर्स लगाऊं, ध्यान से देखना आपको, मैंने इस बॉडी पे इस तरीके से फोर्स लगाया है, एक ध्यान से देखेंगे आप, और ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये फोर्स इस तरीके से लगा, देखो ये एंगल थीटा होगा। तो बेटा ध्यान से देखें, F ये है, तो ये तो हो गया F cos थीटा, ये हो गया बेटा F sin थीटा, और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, राइट ना। ये हो गया F, तो F cos थीटा, ये F हो गया F cos थीटा, F sin थीटा, ये mg हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो वर्टिकल में तो क्या हो गया, n = mg + f sin थीटा, और जो फोर्स है वो क्या हुआ बच्चों, F cos थीटा = m into a, That is force बच्चों। अब हम फोर्स को हमने बताया भाई MEMA, फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी, फोर्स कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, फोर्स चेंज द मोमेंटम। तो ये तो था फोर्स का ओनली द स्टेटमेंट ऑफ फोर्स, व्हाट इज फोर्स। अब फोर्स में नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। लाइन को ध्यान से सुनेंगे आप लोग, No force is required to keep a body in uniform motion. Why? Because beta for uniform motion की अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं uniform motion की बात कर रहा हूं, तो it means जो velocity है वो constant रहेगा। तो बेटा जो acceleration produce होगा वो होता है v माइनस यू बाई टी। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ तो v माइनस यू जीरो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो जीरो होगा। ये कंसीक्वेंसी है किसका, फोर्स। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही कहेगा आगे चलते। फोर्स मींस नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, व्हाई, बिकॉज द वेलोसिटी डजंट चेंज, एंड वेलोसिटी चेंज एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज जीरो। तो फोर्स के लिए आप जो जो क्वेश्चंस करके देखेंगे फोर्स पे, उनमें इन इन इक्वेशंस को अप्लाई करके देखेंगे, m into a, सेकंड बच्चों m into v minus u by t, एक f यूज करेंगे m into v square minus u square by 2s, एक एक्सप्रेशन यूज करेंगे F into S is equal to change in kinetic energy. This is all about force. Force मेरे हिसाब से क्लियर होगा। अब मैं momentum की बात करता हूं कि what do you mean by momentum? What do you mean by linear momentum? देखो बच्चे, अगर हम force के ऊपर काम करेंगे तो जो जो question में आपको doubt होगा आप force के ऊपर पूछेंगे। बेटा अगर मैं फोर्स की बात और अगर मैं फोर्स के ऊपर काम करना चाहूं, तो मैंने आप लोगों को F इज इक्वल टू ये बताया, ध्यान से देखना आप लोग, एक तो M में बता दिया, एक बेटा हमने A को चेंज कर दिया V माइनस U by T, दिस इज आल्सो फोर्स, एंड V माइनस U हम फोर्स को हमने बोला, फोर्स कैन आल्सो चेंज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, एंड द मोमेंटम इज dP by dt, dP चेंज इन मोमेंटम, and this dt is the time interval in which body change its momentum। और second अगर हम बात करें force के ऊपर, तो अगर force क्या क्या produce करेगा, क्या क्या change कर सकता है, एक छोटा सा NCERT का question बताता हूं। The motion of a particle, देखो the motion of a particle of mass m, the motion of a particle of mass m described by the equation, बेटा उस equation को हमने लिखा y is equal to ut plus
हाफ जी टी स्क्वायर। कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, उसकी मोशन को मैं डिस्क्राइब किया बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, देन व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब हमें फोर्स निकालना है। अब बॉडी ने तो कुछ दिया ही, उसने कहा कि कोई पार्टिकल जिसका मोशन है उसकी इक्वेशन ये y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वेयर u इज द वेलोसिटी, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड t इज द टाइम, राइट। अब मेरे को फोर्स निकालना है। अब हाउ वी कैलकुलेट द फोर्स। अब फोर्स तो हमें एक ही चीज, हमने एक चीज सीखा F is equal to ma होता है, बट बच्चों हमने कहा v minus u by t, v minus u means change in the velocity, force can also write, बेटा acceleration को हमने uniform motion में पढ़ा, acceleration also can be written as dv by dt, acceleration होता है dv by dt, तो मैं acceleration को कैसे लिख सकता हूँ, m into dv by dt, ये भी force ही है बच्चों, मतलब F is equal to ma फोर्स है, m dv by dt भी फोर्स है, और आपने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में आप लिखते हो, m v को क्या लिखो बच्चों, v को बोलो dx by dt, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब भी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है वी ऑलवेज यूज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे v = u + at, s = ut + half at square and v square - u square = 2as, बट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो हम कुछ भी चीज निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं तो वेलोसिटी को, बट वी यूज इंटीग्रेशन कब, व्हाइल वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इज गिवन एंड वी कैलकुलेट वेलोसिटी देन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब अगर हमें एस टी से वी टी कन्वर्ट करना है और एस टी से अगर हमें वी टी कन्वर्ट करना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम से अगर वेलोसिटी टाइम को चेंज करना है, देन वी यूज डिफरेंशिएशन। या मैं आपको ये बोल दूं कि वेलोसिटी टाइम इक्वेशन गिवन है और एक्सेलरेशन टाइम आपको फाइंड आउट करना है, देन वी यूज डिफरेंशिएशन। बट अगर मैं रिवर्ट करूं इनको, मतलब एक्सेलरेशन अगर टाइम ग्राफ गिवन है उसको वी टी निकालना है, देन वी यूज इंटीग्रेशन, और अगर वी टी गिवन है और बेटा एस टी निकालना है तो वी यूज इंटीग्रेशन। ये इक्वेशन तब लगती है बच्चों जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अब हम इसको ना छोड़ के यहाँ काम कर रहे थे, फोर्स कैन बी रिटन एम ए, ए को डी वी बाई डी टी, और बेटा वी होता है डी एक्स बाई डी टी, तो फोर्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज एम डी बाई डी टी, बेटा वेलोसिटी क्या होता है डी एक्स बाई डी टी, तो क्यों ना मैं इस फोर्स को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू एम डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी फोर्स। तो अब आप लोग ध्यान से देख लो कितने रिलेशन बनते हैं, एम ए भी फोर्स है, एम वी माइनस यू बाई टी भी फोर्स है, फोर्स मोमेंटम चेंज भी है, फोर्स एम डी वी बाई डी टी भी है, फोर्स एम डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर है। इस इक्वेशन को यूज करते हैं, देखो टाइम के साथ वाई चेंज हो रहा है, टाइम के साथ जब वाई चेंज होगा तो वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन है, और वेलोसिटी चेंज होगी तो डेफिनेटली बच्चों एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। तो आप लोग देखें द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन दिस। तो बेटा f निकालना है, तो f बराबर तो m में होता है, अब a तो है ही नहीं ना यहां पे, तो a निकालते हैं। अब आप देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, t चेंज करेंगे तो y चेंज होगा, तो हम पहले वेलोसिटी निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन से, क्योंकि मैंने बोला अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है और वेलोसिटी टाइम में रिलेशन निकालना है तो आपको डिफरेंशिएशन करना है, पहले भी हमने डिस्कस किया है। अगर वेलोसिटी टाइम है एक्सेलरेशन टाइम निकालना है तो हमें फिर डिफरेंशिएशन करना है, राइट। तो बच्चों क्या करें, करो डिफरेंशिएशन बेटा, वेलोसिटी होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी वाई बाई डी टी, तो बेटा पावर को नीचे लाना होता है, पावर वन को नीचे लाएंगे, वन वन नीचे आएगा इंटू यू, और पावर में एक कम करना होता है वन माइनस वन, मतलब वन आगे आगे वन लिखो या ना लिखो, U T की पावर 1 माइनस 1 बेटा 0, कोई भी पावर 0 1 होता है, आगे चलो पावर को नीचे लाओ 2, एक ये 2 हमारा एज इट इज, G पावर में एक कम करो 2 माइनस 1, तो बेटा वेलोसिटी कितना आ गया, U T की पावर 0 बेटा 1 होता है, 2 बाई 2 कैंसिल हो गया, प्लस G इंटू T, अब बेटा ये तो वेलोसिटी आ गया, हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए ना, तो अब देखो फिर t चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, तो अगेन एक्सेलरेशन क्या होता है dv by dt, तो बेटा इसके साथ तो t है ही नहीं,
तो इस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, इसका टी की पावर वन है तो कितना आ गया प्लस जी, इसका वन हो गया, आगे लाएंगे ना वन, टी की पावर वन माइनस वन जीरो, तो किसी की पावर जीरो वन होता है, तो बेटा डी वी बाई डी टी कितना आ गया जी आ गया, तो ए जी के बराबर आ गया। तो फोर्स क्या हो गया, बराबर एम ए होता है, तो एम ए की वैल्यू क्या आ गई जी आ गया, दिस इज फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ फोर्स का स्टेटमेंट पढ़ना है बुक से और फोर्स के ऊपर ही काम करना है। टाइप ऑफ फोर्स कल काम करेंगे। थैंक यू बच्चों।